गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी बज रहे हैं 4:15 और मैं अब जा रही हूँ नहाने। एक्चुअली नहाने इसलिए अब जा रही इतनी लेट क्योंकि मैंने सुबह कराई है मालिश। मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही थी तो उसकी मैंने मालिश करवाई। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा बिजी रही हूँ लंच वगैरह में। जैसे सबकी छुट्टी है तो आयरा गई है ट्यूशन, तो मैंने कहा चलो फटाफट से रेडी होते हैं। और जैसा कि आज दशहरा है तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और आज हम जाएंगे रावण देखने, रावण चलेगा। तो बस फटाफट से नहाते हैं और रेडी होते हैं और आपको दिखाते हैं आज का दशहरा। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अब जा रहे हैं आयरा को लेने के लिए। पहले लेंगे आयरा को और उसके बाद जाएंगे रावण देखने। चलो दिखाती हूँ मैं आपको। पागल है लड्डू, लड्डू कहाँ जा रहे? तो गाइस अब आ गए आयरा के ट्यूशन और अब उसको लेके अब फिर जाते हैं। तो ये आ गया आयरा का ट्यूशन। ये पानी किस लिए? तो गाइस आ गई आयरा। तो गाइस देखो रश कितना है यहाँ पे। ये सब रावण देख रहे आए हैं। सब रावण देखने आए हैं। तो गाइस देख रहे हो रश, पूरा रश है। और अब अपने स्कूटी पार्क करें हम। गाइस देखो रावण लगे हैं और रश देखो, वहाँ चल रही है रामलीला। अब हम जा रहे हैं और यहाँ हम रहते थे रेंट पे। इस घर में हम ऊपर रहते थे रेंट पे। गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ ये थोड़ा सा व्यू और वहाँ से हमने ऊपर से देखना है। तो यहाँ पे हम रैक पे रह के गए हैं और रश देखो कितना सारा है। देख रहे हो कितना सारा रश है ना। और ये दिखाते रावण कह रहे हो। गाइस लो हम आ गए छत पे। नीचे काफी रश था तो मैं आपको दिखाने के लिए देखो छत पे आए। देखो सामने और सबके छतों पे देखो, सबकी छतों पे। और अभी भी रश आ रहा है और अभी देखना मिनटों में कितना सारा रश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा होता है। हाँ ये सामने वाले घर में हम रहते थे रेंट पे। ये पूरा पोर्शन हमारे पास था। और वो रावण सब रेस्ट कर रहे हैं। रश देखो कितना सारा है सामने छतों पे भी। हर कोई भी छत देख लो सब पे ही इतना इतना रश होगा। देखो देखो और अभी भी लोग आ रहे हैं। ये तो एक साइड है, दूसरी साइड वहाँ पे भी है। पांच छह साइड्स हैं यहाँ के लोग। देखो कितने आते हैं। और यहाँ अरविंद खड़े हो गए हैं, आयरा खड़ी हो गई और अब ये भी छत भरने वाली है। पर ये हमारा परमानेंट अड्डा है। तो गाइस वो देखो वो स्टेज पे चढ़ गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये
ये रामलीला खेलेंगे हम और फिर रावण को लगाएंगे आग। तो थोड़ा सा युद्ध वगैरह जो करते हैं स्टार्टिंग में ये वो कर रहे हैं। और युद्ध कर रहे हैं, अब ये युद्ध करेंगे, रावण को मारेंगे, फिर इधर जलाने आएंगे। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर खड़ी हूँ, दिखाती हूँ मैं ये देखो। अगर नॉर्मल कैमरा करूँ तो मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखो। और वो चलने लग गई है फायर्स। देखो अभी भी लोग आ रहे हैं, रश पड़ता ही जा रहा है। तो अब लंकापति रावण आ गया है, अब उसको मारेंगे और फिर इधर आएंगे। और देखो साथ में सूरज भी डूब रहा है, सूरज डूबते ही उससे पहले पहले ये रावण को लगा देंगे आग। वो देखो रावण आ गया, वो रहा रावण तलवार लेके। तो गाइस देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ से जो है रावण के पास से भीड़ हटाई जा रही है, बिकॉज अब वो वहाँ से फायर लेके आएंगे राम जी और इनको आग लगाएंगे। और वो देखो रावण को मार दिया गया है, वो देखो युद्ध हो गया और बस अब राम जी आएंगे और इसको रावण को सबको आग लगा देंगे। इसलिए ये सारा जो भी रश था यहाँ का इस साइड का वो क्लीन किया ज़्यादा। और देखो कैसे रश पड़ गया यहाँ पे चारों तरफ, देखो देखो पूरा खाली कर दिया। और देखो पुलिस वाले आ गए हैं, बहुत साइड कर रहे हैं लोगों को। तो गाइस देख रहे हो वो सामने जो स्टेयर्स पे लोग बैठे थे वो उतर के नीचे ग्राउंड पे सारे आ गए हैं, क्योंकि रावण जब गिरता है तो इस साइड को गिरेगा, हमारी साइड को, यानी इस साइड को गिरेगा, उस साइड को नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे लोग इसलिए आगे 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 कि रावण जब जलता है ना तो इसकी लकड़ी उठा के समथिंग कुछ रिवाज है जो लेके जाते हैं। तो काफ़ी लोग देखना इसको पूरा निचोड़ देंगे, एक दिन का तक नहीं बचेगा यहाँ पर, सब लूट के ले जाते हैं। तो गाइस वो देखो वो आ गए हैं, चलेंगे रावण देखना। देखो तेल डाल रहे हैं उसमें है ना, ताकि जल्दी से आग पकड़ ले। देखो देखो ये सब तेल डाल रहे हैं। तो बस इन्होंने अपनी पोजीशन ले लेनी है सबने और एक साथ। और एक को तो भी लगी नहीं, एक जल गया। एक को तो लगी नहीं है, ओ लग
उसको आग। तो अब देखना मिनटों मिनटों तक सारे लोग कैसे भागेंगे देखना। बेटा और कबीर को देखो रोने लग गया, डर गया। रावण तो चले, अभी वो भी नहीं चला आधा। तो यहाँ पुलिस वालों ने भीड़ को रोक के रखा हुआ है, देखो चारों तरफ भीड़ है और इसको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे पुलिस वाले हटेंगे वैसे ही देखना भाग के जाएंगे लोग सारे। और अब देखना गाइस कैसे सारे भाग के आएंगे। तो गाइस इस बार लकड़ी उठाने ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों, शायद अभी तक जले नहीं अच्छे से इसलिए। दुनिया फट गई, ये अपना अलग ही। और वो उठा ली उन्होंने, और देखो कैसे खड़े हैं, सिर्फ वो लकड़ी लेने के लिए ही खड़े हैं, बट ये पुलिस वाले इनको उठाने नहीं दे रहे। ये देखो लकड़ी लेके जा रहे हैं, बस आ गए। चलो सारे ही आ गए, अब तो भागे सब। और कैसे लाठी चार्ज हो गया। और कैसे लड़ रहे हैं, तो पुलिस अपने हट गई है चारों तरफ से, अब बस लोग हैं जो तोड़ेंगे।
क्लीन बाय।